बात करेंगे तिल के बारे में, यानी कि ब्लैक मोल्स। दोस्तों तिल हर किसी के शरीर पर, चेहरे पर होते हैं, एक या दो हो तो अच्छे लगते हैं, अगर यही चेहरे पर ज़्यादा तिल निकल आए तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं तिल होते कैसे। दोस्तों हमारे स्किन में मेलानोसाइट सेल्स होते हैं। मेलानोसाइट सेल्स का होता है मेलानिन पिगमेंट को कंट्रोल में रखना। अगर मेलानिन पिगमेंट हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर रंग काला हो जाता है, अगर मेलानिन पिगमेंट हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो रंग गोरा हो जाता है। अब यही अगर मेलानिन पिगमेंट एक जगह पे इकट्ठा हो जाए, मेलानोसाइट सेल्स जो है जो वहाँ पे एक जगह पे अगर एकत्रित हो जाते हैं, उनका समूह बन जाता है, तो वहाँ पे दोस्तों ब्लैक मोल्स हो जाता है, यानी कि तिल आपको वहाँ पे हो जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी कॉज के बारे में। तो दोस्तों इसको सबसे पहला है आनुवंशिक, अगर जेनेटिक, यानी कि आपके घर में आपके माता पिता या बाबा किसी को भी है तो आपको मोल्स हो जाते हैं। दूसरा है दोस्तों अगर आपको ज़्यादातर आप धूप में रहते हैं, ज़्यादा समय आप धूप में बिताते हैं तो भी आपको ब्लैक मोल्स हो जाते हैं, जहाँ पे ब्लैक मोल्स होते हैं तो वो और भी काले हो जाते हैं, रंग उनका बढ़ जाता है या आपको भरने लगता है। तीसरा दोस्तों अगर आपने ज़्यादा समय तक हैवी एंटीबायोटिक्स लिए हैं उसकी वजह से भी आपको मोल्स हो जाते हैं। नंबर चार दोस्तों प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स के बदलाव होते हैं महिलाओं में, उनमें भी ब्लैक मोल्स हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करें इसके साइन और सिम्टम की, तो साइन एंड सिम्टम में ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, सिंपली आपको तिल वहाँ पर दिखता है, कोई भी इचिंग नहीं होगी, कोई भी दर्द नहीं होता है, कोई जलन नहीं होगी, तिल सिर्फ वहाँ पर आपको दिखता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो दोस्तों सबसे पहली है ओलियम सेंटलिस क्यू, मेरे पास है तो मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। ओलियम सेंटलिस क्यू है ये दोस्तों 4000 के अबव आपको मिलेगी, बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। इसको 10 बूंद पानी में डाल के आपको दिन में 3 बार लेना। दूसरी मेडिसिन दोस्तों बर्बेरिस एक्यूफोलियम क्यू, इसको आपको कॉटन में लेके जहाँ भी आपको स्किन पे मोल्स हैं वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों थूचा 200, ये अगर लिक्विड फॉर्म में तो आप इसमें से 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप आप दिन में 2 बार सुबह शाम ले सकते हैं। अगर आप गोलियों में पिल्स में बनवाते हैं तो 5 गोलियाँ सुबह और 5 गोलियाँ शाम को 2 बार तक ले सकते हैं। और एक्सटर्नल लगाने के लिए दोस्तों एक फेयरवे क्रीम आती है, फेयरवे क्रीम हेप्टिको कंपनी की आती है दोस्तों, इसमें ओलियम सेंटलिस क्यू, थूजा क्यू और दोस्तों बर्बेरिस एक्यूफोलियम क्यू, इसमें और भी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको आपको लगाना है एक्सटर्नल जहाँ पे आपको तिल है वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर लें, सुबह शाम 2 बार तक आप इसको लगा सकते हैं। ये दोस्तों कुछ मेडिसिन और जो मैंने आपको मेडिसिन लगाने के लिए बताई है, ये कम से कम 3 मंथ तक आप कंटिन्यू कीजिए, आपके तिल बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा।